हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं फिर आपके लिए कुछ ऐसे ही इंटरेस्टिंग ब्लॉग लेके आ गया हूँ। आज मैं आपके लिए एक प्रसिद्ध मंदिर के दर्शन कराने जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं इस मंदिर की तरफ और देखते हैं इसमें क्या क्या अच्छी सी अच्छा सा दृश्य है और क्या क्या इसमें मूर्ति है। तो आइए चलते हैं इस मंदिर की तरफ। देख सकते हैं यहाँ पे कुछ हैंडमेड गुफाएं बनाई हुई हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे यहाँ पे और भी ज्यादा टेंपल मतलब क्रिएट किए हुए हैं। तो यहाँ पे जो वैष्णो माता का धाम और सारे बहुत ज्यादा मंदिर बनाए हुए हैं। तो आइए बताते हैं हमको इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेंगे। तो आइए चलते हैं मंदिर की तरफ और बताते हैं आपको इसमें है क्या क्या। सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे सुंदर सुंदर दो खरगोश है, हमारी भाषा में बोले तो फरडू है, एक व्हाइट है और एक ब्लैक है, दोनों का कॉम्बिनेशन है। देख सकते हैं कितने प्यारे प्यारे हैं। मैं अकेले नहीं आया हूँ इस मंदिर में घूमने, मेरे साथ भाई लूंड मेरे दोस्त आ गए हैं। तो आइए बताते हैं आपको कौन कौन से लूंड आए हैं। तो आइए दिखाते हैं सबसे पहले ये है मेरा शशाक दोस्त, ये बहुत ही अच्छे राइडर है, मेरे को याद आ गए अपनी बाइक में लेके आए, इसलिए इसका धन्यवाद। और ये है मेरा दूसरा कैमरा मैन शुभम, ये बड़ा नाइस पर्सन है, तो आप इससे जो भी कहना चाहते हैं कह सकते हैं कमेंट में। और ये है खाते पीते घर का विशाल, मेरा बेस्ट फ्रेंड। और सबसे लास्ट में हमारा ज्यादा शर्माने वाला फ्रेंड, हमारा बेस्ट फ्रेंड विशाल। और क्या मेरा कैमरा मैन दीमान। चलिए अब आपको आगे बताते हैं क्या क्या। सबसे पहले आपको दिखे होंगे ये छोटे छोटे से बच्चों वाले झूले, पर क्या करना, हमारे दोस्त गुजारे कमीने बच्चों को भी नहीं छोड़ते हैं और उनके झूलों को छोड़ते हैं, हम भी नहीं छोड़ेंगे, हम भी नहीं छोड़ेंगे इन झूलों को। पर ऐसे छोटे छोटे हैं पर क्या करना, हम झूल तो सकते हैं इसमें, हम भी बच्चे ही हैं, दिल तो हमारा बच्चा ही है अभी भी। एक बार इस व्यू का आप मजा लीजिए और बताइए मुझे कैसा लगा कमेंट में। तो इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ज्यादा से ज्यादा। तो आप देखिए अब मेरे इस व्यू। तो आप देख सकते हैं अब मैं बैठ गया हूँ, क्योंकि आपको बताना था ये गुफा किस चीज की है। आप भी गर्भजून गुफा के बारे में तो जानते होंगे, ये उसी का छोटा सा रूप है। तो आप बताते हैं हमको अंदर से कैसा है। तो पहले नंबर वन शुभम, दूसरे नंबर पर देख सकते हैं कितने अंदर तक है। अब दूसरे नंबर पर हमारा कुशांत, चलिए कुशांत जी अंदर चलिए, 100 रुपया देगा। अब तीसरे नंबर पर शशांक, चलिए अंदर चलिए। अब हम भी चलते हैं गुफा के अंदर और बताते हैं आपको किस तरह। देख सकते हैं आप हम कितने मुश्किलों से अंदर बढ़ रहे हैं, पर जिसने पुण्य किया होगा भाई इसके अंदर जा पाएगा। और देख सकते हैं आप पीछे कौन है, उसने पाप किया है इसीलिए वो इस गुफा के अंदर नहीं आ सका है। तो आइए चलते हैं गुफा के अंदर और कैमरामैन भी थोड़ा धीरे धीरे चले। देख सकते हैं आप हमने पुण्य किए थे इसलिए इस द्वार में बाहर आ चुके हैं। अब एक गुफा से तो हम अंदर आ चुके हैं और बाहर भी आ चुके हैं, अब हम दूसरी गुफा उत्तर पार्वती कुंड है, तो आइए इसके अंदर भी चलते हैं। सबसे पहले नंबर वन चल गए, अब दूसरे पर शुभम और विशाल और एंड में हमारे शशाल। अब हम भी चलते हैं अंदर की तरफ, आइए अंदर की तरफ। आप सभी देख रहे हैं यहाँ पे जिन जिन्होंने पाप किया वो फंस जा रहे हैं, जैसे हमारे कुशांत जी हैं वो फंस चुके हैं क्योंकि उन्होंने मेरे ख्याल बड़े ज्यादा पाप किए हैं। और देखते हैं हम भी चलते हैं उसके अंदर, हमने पाप किए कि नहीं। अब हम शेरावाली माता मंदिर में आ चुके हैं, तो आइए उनके दर्शन बताते हैं आपको नजदीक से। चलिए तो आप देख सकते हैं हम इस मंदिर के अंदर आ चुके हैं और मेरे को बड़ा ज्यादा पसीना पड़ चुका है, पर कोई नहीं, आपको हमने दिखाना था तो जो हमने दिखा दिया।
तो आइए अब दूसरे मंदिर की तरफ चलते हैं। इस मंदिर के पहरेदार भी हैं, तो आइए उनसे मिलाते हैं आपको। देख सकते हैं आप। हाँ भाई, कैसे हाल चाल है आपके? ये कह रहे हैं कि बोले अच्छे हाल चाल है। चलिए अब हम आपको शिवलिंग और शिव जी के दर्शन बताते हैं, तो देख सकते हैं आप। और ये है हमारे प्रसिद्ध साईं बाबा का मंदिर, तो देख सकते हैं आप इस मंदिर के भी खूबसूरती और इसके पीछे का व्यू भी। अब हम आ गए हैं आकाश गंगा की गुफा की तरफ, तो आइए उसके अंदर भी चलते हैं और बताते हैं। तो फिर से एक एक करके सबसे पहले दो चल 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 तुम ही तारी पुआरो। तो आइए अब हम भी अंदर की तरफ चलते हैं। गुफा के बिल्कुल अंदर आ चुके हैं। अब यहाँ पे एक वो कबूतर भी है जो अमरनाथ कथा को सुन के अमर हो गए हैं, और हमारे शिव जी भगवान की मूर्ति भी है। तो आइए बताते हैं उन सभी को और उनकी कहानी को भी दिखाते हैं आपको नजदीक से। इस पास देख सकते हैं आप, ये वो वाले कबूतर हैं जो अमरनाथ कथा सुन के अमर हो गए हैं। इसमें कहानी भी लिखी है, आप इसको स्टॉप करके पढ़ भी सकते हैं। गुफा के अंदर आ गए हैं और ये देख सकते हैं आप, हमारे तरफ शिव जी भगवान भी है। अब ये सेकंड लास्ट मंदिर है, तो आइए बताते हैं शेषनाग का मंदिर है, तो आइए बताते हैं इसको। तीन और है। अब हम आ चुके हैं इस टाइम हवन कुंड की जगह पे, और पीछे बाबा बालकनाथ जी का भी मूर्ति है। तो पर एक बात मैं आपसे बताना चाहता हूँ कि इस मंदिर में मैंने देखा बड़ी अच्छी सफाई है। मैं आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप यहाँ पे जाएं, प्लीज सफाई का ध्यान रखें, क्योंकि सफाई हमारे भारत के लिए एक बहुत ही ज्यादा जरूरी आवश्यक चीज है, तो आप जरूर सफाई के ध्यान। अब हम आ चुके हैं गंगा माता के मंदिर की तरफ। आप देख सकते हैं किस तरह से लहरें नीचे की तरफ बह रही थी, बिल्कुल इसी तरह से बनाया हुआ है ये। अब हम आ चुके हैं हम सभी के खास हम खास बजरंग बली भगवान के मंदिर में, तो देखिए मंदिर का भी। अब हम आ चुके हैं कृष्ण भगवान के मंदिर में, तो आपको इसको बताते हैं किस तरह से दिखाई देते हैं। अब हम इस मंदिर के एक लास्ट मंदिर रहा है उसको दिखाएंगे आपको, फिर इस ब्लॉग को एंड करेंगे। उससे पहले आप इस मंदिर को देख लीजिए। चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। इसी तरह से इंटरेस्टिंग ब्लॉग पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।